प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने क्षितिज भाग एक के काव्य खंड में पांच एक साखियां के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित पहली साखी की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम दूसरी साखी का पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके पश्चात इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो कल मैंने पहली साखी को गा करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, अब दूसरी साखी है उसको भी मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूँ, फिर गा करके आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत कोई। तो इसे कैसे गा करके गायन शैली में इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत सब विषय अमृत होई। अब हम इसी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। वैसे तो प्रसंग यथावत है, पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आगे आ जाता है जब उसकी व्याख्या की जाती है। तो जब हम प्रसंग लिखते हैं, सबसे पहले कवि और कविता का नाम लिखा जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रसंग की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक में संकलित साखियां से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता, देखिए रचयिता शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, रचयिता, रचयिता नहीं होता है। कई बार हम लिखने में त्रुटि कर देते हैं, रचयिता लिख देते, पर ये अशुद्ध है, गलत है। रचयिता होता है, इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी मैं पहले बता चुका हूँ निर्गुण भक्त कवि रहे हैं। तो निर्गुण भक्त कवि कबीर दास जी हैं। और इसमें जो बात, इस दोहे में मुख्य बात क्या बताई गई, इस दोहे में उन्होंने सच्चे ईश्वर भक्त द्वारा एक दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त को खोजने एवं उस खोज से प्राप्त परिणाम का वर्णन किया है। तो ये बात हमें जब प्रसंग लिखना है उस समय स्पष्ट करनी है। तो यहां पर अब हम व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते समय प्रसंग फिर व्याख्या, तो जब हम व्याख्या करते हैं तो देखिए इन पदों में या इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, फिरो मतलब फिरना, घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्रेमी ढूंढना, प्रेमी का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रेमी का अर्थ है ईश्वर से प्रेम करने वाला, अर्थात ईश्वर का कोई सच्चा भक्त, उसे यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेमी की संज्ञा दी है। ढूंढत ढूंढना, मैं स्वयं, फिरो घूमा फिरा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढने के लिए यहां वहां पता नहीं कितने स्थानों पर घूमा, प्रेमी मिले न कोई, मुझे ईश्वर का कोई भी सच्चा भक्त दिखाई नहीं दिया, मुझे किसी ईश्वर के सच्चे भक्त से भेंट नहीं हो पाई। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अब यहां पर अपने विवरण को प्रस्तुत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी मतलब ईश्वर का सच्चा भक्त जब किसी दूसरे ईश्वर के सच्चे भक्त से मिल जाता है, मतलब एक ईश्वर का सच्चा भक्त दूसरे ईश्वर के सच्चे भक्त से जब मिलता है उसकी भेंट होती है, सब विष अमृत होई। विष वैसे तो जहर होता है, लेकिन यहाँ पर समाज में रहते, संसार में रहते हुए विषय वासनाओं का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं संसार में रहते हुए विषय वासनाओं में संलिप्त रहता है, तो सब विष अमृत होई। अमृत का अर्थ होता है वैसे तो सुधा, अमृत अमृत ही अपने आप में
सुधा, तो सब विष जो है जहर जो है वो अमृत में परिवर्तित तो हो जाता है। कहने का भाव क्या है, कबीरदास जी कहते हैं जब उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में जो सहायता मिल जाती है, अगर उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो वह विषय वासनाओं से मुक्त तो हो जाता है, विरक्त तो हो जाता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक ईश्वर के सच्चे भक्त को दूसरा ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाता है तो वह जहर भी अमृत बन जाता है, अर्थात वह संसार के विषय वासनाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यही बात यहाँ पर कबीरदास जी ने स्पष्ट की है। अब अगर हम विशेष की बात करते हैं, क्योंकि अंत में विशेष दिया जाता है जब कोई भी व्याख्या की जाती है, किसी भी पद की व्याख्या की जाती है, सबसे पहली बात कल जो हमने पद किया था उसकी व्याख्या के जिसमें मैंने बताया था सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहली बात क्या है, सधुकड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरी बात है कि जब हम पढ़ रहे हैं, इस पद को पढ़ रहे, दोहे को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल अस्पष्ट हो रहा है, कहीं भी ज्यादा जटिलता महसूस नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, प्रसाद गुण की बात हो रही है, इसमें प्रसाद गुण है। तीसरी बात देखिए, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग, स्वयं की बात कर रहा है कबीरदास जी, मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, सच्चे ईश्वर भक्त को खोजने के लिए निकला, पर उसे सच्चा ईश्वर भक्त कहीं भी नहीं मिला, तो कौन सी शैली होगी, यह है आत्मकथात्मक शैली, तो आत्मकथात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगली बात है यहाँ पर कि इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, भक्ति से संबंधित जितने भी पद हैं उनमें शांत रसों की प्रधानता रहती है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो हमें यहाँ पर शांत रस की बात करें तो यहाँ पर शांत रस है, भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है, ये बात आपको लिखनी है, इस तरीके से हम विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने लिखा है, हस्ती चढ़ी यानी सहज दुलेचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब इसे गाकर कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज
चढ़िए ज्ञान की। हस्ती का अर्थ क्या होता है? हाथी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। चढ़िए चढ़ना, सवारी करना, ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना। तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सहज सहज भाव से, सरल भाव से, दुरीचा होता है एक प्रकार का छोटा आसन, या कालीन कह सकते हैं हम दुरीचा को, छोटा आसन, दाढ़ी डाल कर। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ, उसकी सवारी करो, उस पर आरूढ़ हो जाओ, उस पर बैठ जाओ। कैसे? सहज दुलीचा डारी, सहज भाव से, सरल भाव से दुलीचा काली छोटा आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाओ। तो ये बात कही है कि सहज दुलीचा, सहज आसान जो सरल हो, छोटा हो दुलीचा, उसको आप डाल करके हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाओ। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, यह संसार तो कुत्ते के समान है, रूपी स्वान रूप, स्वान रूपी कुत्ता रूपी संसार। तो रूपक अलंकार है, यहाँ पर रूपी की बात हो रही है, रूपी यहाँ रूपक माना गया, तो संसार को कुत्ते के समान माना गया है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। और कुत्ते का काम क्या होता है? भौंकना, ये तो भौंकता रहता है। तो यहाँ पर जो बात की है कि स्वान रूप संसार है, मतलब संसार जो है वो कुत्ते के समान है, वह आलोचना करता रहता है। भूकन दे छतमारी, भूकना का अर्थ है भौंकना, भौंकते रहना, मतलब बेवजह की आलोचना करना। झकमारी, झकमारी का अर्थ है व्यर्थ में बोलना, मतलब व्यर्थ में वो आलोचना करते ही रहते हैं, मतलब संसार के जो लोग कुत्ते के समान है, व्यर्थ में बोलते मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर बिना किसी की परवाह किए हुए, आलोचना की परवाह किए आगे बढ़ गए, यकीनन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अब हम विशेष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विशेष की बात की जाती है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, प्रसाद रूप पीछे भी हम देख चुके हैं, पहली बात तो समुद्री भाषा है, दूसरा प्रसाद गुण है, तीसरी बात यहां पर आत्मकथात्मक शैली है, तो आत्मकथात्मक शैली का यहां पर प्रयोग किया गया है। अगली बात, आपने देखा होगा झकमारी, तो झकमारना क्या है? एक मुहावरा है, तो झकमारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ये बात आप इसमें जब विशेष लिखेंगे तो मुहावरे का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, हस्ती है, स्वान है, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, डारी वो भी तत्सम शब्द है, तो बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। मैंने बताया कि यहाँ रूपक अलंकार है, तो आप अलंकार भी बता सकते हैं, रूपक अलंकार है। इसके अलावा मिलते हुए प्रतीत होते, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस तरीके से हमें विशेष लिखना होता है। धन्यवाद।